Hello friends, Manju Tyagi here from my channel Life is Precious. आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आपको अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए. इससे अच्छा पेरेंटिंग टिप मैं आपको नहीं दे सकती. पहले एक ट्रेंड था कि बड़े लोग अपने बच्चों को इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाया करते थे, लेकिन आजकल ये ट्रेंड खत्म हो जा रहा है. तो आपको मैं सुनाती हूँ स्टोरी यंग NM प्रताप की, जो कि कर्नाटक के मैसूर के एक गांव का रहने वाला है और आज के टाइम में सारी दुनिया उसे ड्रोन बॉय के नाम से जान रही है. आप ये स्टोरी अपने बच्चे को जरूर सुनाएं. प्रताप एक गरीब किसान का बेटा है और इन्होंने फ्रांस से एक मिले हुए बहुत बड़े ऑफर को ठुकरा दिया है, जिसमें इन्हें 16 लाख की सैलरी, 5 BHK फ्लैट और 2.5 करोड़ की कार मिलने वाली थी और उन्होंने इसे ठुकरा दिया. पीएम मोदी जी को जब इसका पता लगा तो उन्होंने इन्हें अपने पास बुलाया, उससे बात की और उसे DRDO में अपॉइंट करवाया. बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रताप की बहुत रुचि थी और 12th तक आते आते इन्होंने साइबर कैफे में जाकर एयरक्राफ्ट और स्पेस की बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी. दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में मेल्स भेजते रहे कि मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, आपसे नॉलेज चाहता हूँ, बट पुअर गाय डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स. पैसे के अभाव के कारण बीटेक में एडमिशन न लेकर BSc में एडमिशन लेना पड़ा. उसका भी खर्चा बहुत अच्छे से नहीं उठा पाए तो हॉस्टल से निकाल दिया गया. एंड यू विल वंडर, उसके बाद बस स्टैंड पर रहकर इन्होंने अपना समय काटा. उसके पब्लिक टॉयलेट में ही अपना कपड़े धो लेते थे और इस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज गेन करते रहे. इंटरनेट की मदद से सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस C++, जावा, पाइथन आदि इन्होंने सीखी और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से ड्रोन बनाना सीख लिया. 80 फेल्योर्स के बाद ये ड्रोन बनाने में सफल हुए. उस ड्रोन को लेकर IIT दिल्ली में एक कंपटीशन होना वाला था, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसने सेकंड प्राइज प्राप्त किया. वहां प्रताप को जापान जाने का ऑफर मिला. जापान जाने का खर्चा बहुत अधिक था और ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे. जापान जाने से पहले इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल की जरूरत थी. किसी तरह दिल्ली से चेन्नई गए और वहाँ एक प्रोफेसर से किसी तरह इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया और वहीं एक जेनरस व्यक्ति के संपर्क में आए, जिन्होंने इनका जापान जाने का 60,000 का खर्चा उठाया और इनकी जापान भेजने की व्यवस्था की. अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचकर कुछ पैसा उठाया ताकि जाने के लिए कुछ पास अपने पैसा और हो जाए. प्रताप जब जापान पहुंचे तो उनके पास केवल 1400 रुपीस बचे थे और किसी प्रकार ट्रेन्स बदलते बदलते वो वेन्यू तक पहुंचे. बुलेट ट्रेन्स में चल पाने का उनके पास अमाउंट नहीं था तो ऑर्डिनरी ट्रेन्स में ट्रेवल करते हुए वो वेन्यू तक पहुंचे. रास्ते में बहुत सारे डिस्टेंस उन्हें पैदल भी ट्रेवल करना पड़ा, बट एट लास्ट रीच द वेन्यू जहाँ की कॉम्पिटिशन होना था. 127 कंट्रीज से, 127 देशों से वहां पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे. एंड यू विल वंडर गाइज कि वहां जाकर इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला. जिस कंपटीशन में हमेशा अमेरिका का झंडा फहराया करता था वो थोड़ा नीचे आया और भारत का तिरंगा वहां लहराया. वहां प्रताप को 7 लाख से अधिक का प्राइज मिला. उनकी आंखें भर आईं. फ्रांस ने उन्हें बहुत अट्रैक्टिव जॉब का ऑफर भी दिया लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वो अपने देश लौट आए. जब मोदी जी को इसका पता लगा तो उन्होंने उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाया, उसे पुरस्कृत किया, कर्नाटक गवर्नमेंट को भी ऑनर किया और DRDO में एज साइंटिस्ट प्रताप को अपॉइंट कर दिया गया. अब तक प्रताप 600 से अधिक ड्रोन्स बना चुके हैं और पहला ड्रोन उन्होंने केवल 16 वर्ष की उम्र तक ही बना लिया था. This is really something to be proud of. और अपने ड्रोन से वो इमेजेस कैप्चर करने लगे थे. अब सारी दुनिया
उन्हें ड्रोन साइंटिस्ट के रूप में देख रही है, उन्हें डिफरेंट प्राइजेस दिए जा रहे हैं डिफरेंट आईआईटी इंस्टीट्यूट्स से, उन्हें इनविटेशंस आते हैं, ऑफर्स आते हैं कि आप हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए आइए। इसके अलावा प्रताप ने 6 प्रोजेक्ट्स और पूरे किए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, टेलीग्राफी इन बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रोन्स फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनमैंड ड्रोन्स पर भी वर्क किया कि कहीं ड्रोन्स हैक ना हो जाएं। कर्नाटक के फ्लड की चपेट में आने पर प्रताप के ड्रोन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और वो डिजास्टर मैनेजमेंट में मेडिसिंस डिस्ट्रीब्यूट करने में, आवश्यक सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करने में गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करते रहे। समय प्रताप के पास 87 कंट्रीज से इनविटेशन है कि वो आए और अपने ड्रोन्स के क्रिएशन को सारी दुनिया को दिखाएं। प्रताप हैज बीन अवार्डेड विद अल्बर्ट आइंस्टीन गोल्ड मेडल अवार्ड एंड मेनी मोर अवार्ड्स। ही इज एवरीडे गेटिंग इनविटेशंस फ्रॉम हियर एंड देयर। मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकती। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाएं और उन्हें बताएं कि वो अपने जीवन के ड्रीम गोल्स को पा सके, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था, बिना किसी साधन सुविधा के वो अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सके। तो हमारे बच्चों के पास तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए तो ये काम और आसान हो जाता है। किस प्रकार जीरो से वो हीरो बन गए, ये स्टोरी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और उन्हें इंस्पायर करें। पेरेंट्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरीज अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। और यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार के पेरेंटिंग टिप्स अभी अपने नेक्स्ट वीडियोस में देती रहूंगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। आपके वीडियो शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो ऑन पेरेंटिंग टिप्स।